समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर तय किया था हर बार रावण का नया नया निर्माण किया जाता है, इस बार स्वर्ण कवच वाले रावण का निर्माण किया है। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हैं, जिसको निर्माण करते हैं हम किसी बाहरी व्यक्ति कलाकार को नहीं बुलाते। चूंकि इस बार भारतीय सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ हुए नरसंहार के विरोध में आमजन को मैसेज पहुंचाने के लिए कि भारत देश के छोटे छोटे मित्र मंडल और वो भी आज की तारीख में देश सेवा के लिए ओतप्रोत हैं, और ये जो आतंकवाद रूपी रावण का दहन हम इस बार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को मैसेज पहुंचाने के लिए कि हिंदुस्तान के हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में उनके खिलाफ आक्रोश है। इस बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला रूपी रावण का दहन किया जाएगा। हमारी संस्था हर साल ही सामाजिक बुराइयों का दहन करती है, इसके पहले भी हम आसाराम, कसाब, लादेन, जिनपिंग ऐसे कई सामाजिक बुराइयों का रावण के रूप में दशहरा पर दहन कर चुके हैं। इस वर्ष जिस प्रकार 17 सैनिकों को शहीद किया, पाकिस्तानी सेना ने घुसकर हमला कर दिया, उसकी सामाजिक बुराई मानते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का रावण दहन होगा।